एक नई जानकारी से रूबरू कराना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मानक रेलवे स्टेशन के बारे में? नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पहला निजी अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन कहां बन रहा है और कब तक शुरू हो जाएगा? दिलचस्प बात यह है कि यहां पर लोग विश्व स्तरीय सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे, तो आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन ही भारत का सबसे पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। इस स्टेशन के पुनर्विकास का खर्च लगभग 100 करोड़ रुपए होगा और स्टेशन के आसपास के वाणिज्यिक विकास पर लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्रालय चरणों में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर काम कर रहा है। यह स्टेशन जिसे IRSDC द्वारा पुनर्विकास किया जा रहा है, एक समर्पित श्रेणी के साथ विश्व स्तरीय परागमन हब होगा। IRSDC के MD और CEO SK लोहिया के अनुसार इस परियोजना के सारे सिविल काम लगभग पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है दिसंबर 2019 के अंत तक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो जाएगा और यह पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। जर्मनी में हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने किसके साथ हबीबगंज को PPP मॉडल पर समझौता किया? बता दें, मार्च 2017 में भारतीय रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज को रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने का निर्माण किया था। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन की देखरेख के समस्त अधिकार प्राइवेट कंपनी बंसल ग्रुप को सौंपे गए। इस स्टेशन पर रेलवे केवल गाड़ियों का संचालन करेगी तथा रेलवे स्टेशन पर संचालन प्राइवेट कंपनी बंसल ग्रुप करेगी। भारतीय रेल ने बंसल ग्रुप के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत समझौता किया था। आखिर यह समझौता था क्या? बंसल ग्रुप के साथ पीपीपी मॉडल पर समझौते के तहत 3 वर्ष में बंसल हैथवे को इस रेलवे स्टेशन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना। आपको बताते चलें कि जनवरी 2015 में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8000 रेलवे स्टेशन की योजना के तहत आधुनिक बनाए जाने की घोषणा की थी। उनके अनुसार रेलवे स्टेशन पर एक्सकलेटर, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, वाईफाई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इस समझौते के बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों की पार्किंग से लेकर सब कुछ ग्रुप बंसल पर अधीन होगा। IBC कंपनी को मिलेगी। इससे भारतीय रेलवे को हबीबगंज रेलवे स्टेशन से प्राप्त होने वाली 2 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व की हानि होगी। रेलवे परियोजना की विशेषताएं क्या हैं? रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर ग्लास से बनी गुंबद जैसी संरचना होगी। रेलवे स्टेशन LED लाइटिंग के साथ एक ग्रीन बिल्डिंग बनाएगा जो अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हवाई अड्डे की तरह खुदरा दुकानों के खाद कैफेटोरिया के साथ एक समर्पित सम्मेलन होगा। यात्री आलीशान वेटिंग लाउंज, आधुनिक साफ सुथरे शौचालय, आधुनिक विश्व स्तरीय आंतरिक भाग, आधुनिक सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। स्टेशन पर यात्रियों को डी बोर्डिंग ट्रेनों के लिए निकास अंडरपास दिए जाएंगे ताकि भीड़ में भी वह आसानी से ट्रेन तक जा सके। स्टेशन के बाहर पूर्वी तरफ आलीशान होटल, अस्पताल, स्पा और एक कन्वेंशन सेंटर भी होगा। यहीं आपको बता दें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन के अलावा गांधीनगर रेलवे स्टेशन, सूरत रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़, आनंद विहार, वैपनहल्ली स्टेशनों को भी आधुनिक ट्रांजिट हब के रूप में पुनर्विकास किया जा रहा है। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि PPP मॉडल पर आधारित हबीबगंज को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है।